जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे गोरखपुर से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन इंडियन रेलवे बहुत जल्द शुरू कर दी, वैसे ही लखनऊ और वाराणसी के बीच भी वंदे भारत का परिचालन बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसके फुल डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि वाराणसी से लखनऊ के बीच वंदे भारत का परिचालन कब से शुरू होने वाला है और इंडियन रेलवे का क्या प्लान है, कब तक इसका इनॉग्रेशन इंडियन रेलवे करने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको इसी के विषय में बताने वाला हूं। तो गोरखपुर की तरह ही वाराणसी से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती है। वाराणसी कैंट से सुबह परिचालन की रूपरेखा भी तय की जा रही है, जिसे अयोध्या से जोड़ने की योजना भी है। इसकी मांग मेयर अशोक कुमार तिवारी के साथ ही पर्यटन से जुड़ी सभी संस्थाएं लंबे समय से इसका इंतजार भी कर रही है। रेल मंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि 300 किलोमीटर की दूरी वाले स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जाएगा। छोटे छोटे स्टेशनों के बीच लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन चलेगी। रेलवे बोर्ड ने योजना पर काम शुरू कर दिया है। गोरखपुर से लखनऊ के बीच ट्रेन चलने से अब काशी वासियों की उम्मीद इसमें पंख लग गए। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। इसी बीच मेयर अशोक कुमार आगे आए, उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का परिचालन जरूरी है। काशी से लखनऊ के बीच यात्रियों का आवागमन खूब होता है। जल्द ही रेलवे बोर्ड व कैंट स्टेशन के निर्देशक को पत्र भी लिखा जाएगा। पर्यटन और अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों ने मुलाकात की और वाराणसी से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन चलानी चाहिए, इसे अयोध्या से जोड़ा जाए, इससे पर्यटन को भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी और अयोध्या के आपस में जुड़ने का फायदा मिलेगा। संगठन की तरफ से काशी से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग रखी गई है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को भी पत्र लिखकर भेज दिया गया है और बहुत जल्द इसको मंजूरी भी इंडियन रेलवे द्वारा मिल जाएगी, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये रूट बहुत ही खास है। इसीलिए इंडियन रेलवे इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन बहुत जल्द शुरू करने वाली है और जो भी नोटिफिकेशन इस पर आएगा मैं आपको जरूर अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।